तो बच्चों आज हम लोग मैथ के क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इसके पिछले दो क्लास में हम फॉर्मूला लिस्ट दे रहे थे, अब हम कुछ चैप्टर्स को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एनसीईआरटी बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बेसिक किताब है, तो यह बनाना तो जरूरी ही होता है। तो ध्यान से आज हमारा क्लास एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर है। ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे समझोगे, बनाना नहीं सीखना है, बनाना सीखना है बाबू। हम लोग प्रोसेस अप्लाई कैसे कर रहे हैं इसको सीखना है। देखो एनसीईआरटी में जो पहला ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है 3.1 में है, इसका तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डिग्री रेडियन में चेंज करने वाला पहला, दूसरा क्वेश्चन है जो पीछे हम बता चुके थे खुद से बनाना। क्वेश्चन है कि व्हील है, एक चक्का है, व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 चक्कर, 360 बार एक चक्का घूमता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा? मान लो बच्चों एक चक्का है, व्हील है, यह चक्का जो है 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है, एक इसे घूम रहा है इस तरह से, 1 मिनट में 360 चक्कर घूम गया, यानी इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 360 हो गया। तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है 360/60, यानी 6 चक्कर आया। यानी जो चक्का है 60 सेकेंड में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 360 बार घूमा, तो 1 सेकेंड में कई बार घूम रहा है? 6 बार। एक चक्कर, देखो एक चक्कर घूमने में कोई भी चीज, एक चक्कर घूमा तो कितना एंगल घूमा, तो 360 डिग्री घूमा। इसको रेडियन में बोलोगे तो 2π बोलोगे, रेडियन याद रखना 2π रेडियन। इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन एक चक्कर में एंगल जो है 2π होता है, तो 6 रिवोल्यूशन में 6 चक्कर में एंगल जो होगा 6 × 2π मतलब 12π हो जाएगा। तो यानी कि जो चक्का 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड एंगल रोटेट्स बाई व्हील, व्हील कितना एंगल रोटेट किया बाबू, तो 12π रेडियन। क्वेश्चन क्या था कि चक्का था 1 मिनट में 360 बार घूम रहा था, यानी 60 सेकंड में 360 बार थे, 1 सेकंड में 6 बार, एक चक्कर में 2π एंगल होता है, तो 6 चक्कर में 12π एंगल होगा। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, लेकिन सवाल ही ऐसा है तो आसान है तो आसान ही ना रहेगा बाबू। इसको वीडियो रोक के तुम लोग नोट कर लोगे, सभी चीजों को नोट करते जाओगे, ध्यान से समझो, नोट करो। देखो देखो बच्चों, एक सर्किल है, एक सर्किल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किल दिया हुआ है, कह रहा है एक सर्किल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, मतलब इसका रेडियस जो है, रेडियस त्रिज्या जो है 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे चाप का जो लंबाई है एल, आर्क लेंथ जो है वो हम 22 सेंटीमीटर लिए, तो हम यहाँ पे एक एंगल बना दिया थीटा। तो थीटा क्या होगा बताना है, यूज करना है पाई बराबर 22/7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो एंगल हमें बताना है वो डिग्री में बताना है। तो देखो बच्चों, थीटा बराबर फॉर्मूला एल बाई आर होता है, सबको जानते हो, एल की जगह 22/100 या रेडियन आ गया, इसे हमको बदलना है डिग्री में। सभी लोग जानते हो कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो एक रेडियन होता है 180/π डिग्री, तो 22/100 रेडियन जो होगा वह हो जाएगा 180, 22/7π को लिख दिए 22/100 डिग्री। 22 से 22 काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, 126/10 डिग्री।
18 में 7 से मल्टीप्लाई किए 126 आ गया। इसको आगे बढ़ाओगे तो 12 पूरा पूरी 6 शेष बचेगा और 10 डिग्री। ध्यान दो बच्चों, कटाओगे तो 12 बार में कट जाएगा, 6 शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 10। इसको इस तरह लिख देंगे 12 डिग्री प्लस 6 बटा 10 डिग्री। क्लियर? 12 डिग्री 6 बटा 10 गुने 60 मिनट। अगर एक डिग्री से कम होता है तो उसको मिनट में बदल लिया जाता है। एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 6 बटा 10 डिग्री बराबर 6 बटा 10 गुने 60 मिनट हो जाएगा। काटो तो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, यानी क्या आया 12 डिग्री 36 मिनट, यानी जो एंगल है थीटा वो 12 डिग्री 36 मिनट मेरा आया। तो क्वेश्चन था कि एक सर्किल था, वृत्त था, जिसका रेडियस त्रिज्या तुम्हारा 100 सेंटीमीटर था, चाप का लंबाई मैंने आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर था, तो थीटा हम लोग निकालनी है, लेकिन थीटा निकाले क्या में, तो रेडियन में। थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला से जो भी एंगल निकालते हो वो रेडियन में निकलता है, उसको फिर हम डिग्री में बदल लिए हैं। तो डिग्री और रेडियन में बदलने के लिए ही मेन फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग आगे क्वेश्चन को बना लिए। बच्चों वीडियो जब भी रोक लेना पहुंच करके, या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करते जाओगे। हमको नोट्स तैयार चाहिए, क्योंकि बड़े रेंज तक पहुंचने के लिए छोटा छोटा सीढ़ी से ही हम रेंज तक पहुंचेंगे। यह जो मेरा क्लास है बच्चों, यह जीरो लेवल के बच्चा से लेकर हीरो लेवल तक के बच्चा के लिए है। मतलब कि कोई बच्चा जो बहुत बेसिक बच्चा है वो भी समझेगा, और जो तेज बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर ये सब तो हम फिर बना ही लेंगे, तो वैसे बच्चों के लिए भी पढ़ाई आगे मिलने लगेगा। थोड़ा धैर्य रखना आवश्यक होगा। क्वेश्चन है, एक सर्किल है, इसका डायमीटर दिया है बच्चों 40 सेंटीमीटर। डायमीटर का हिंदी होता है बच्चों व्यास, 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है त्रिज्या, रेडियस जो है वह व्यास का आधा होता है, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ओ मान लो, यहां सेंटर ले लो, कह रहा है कि यहां पे जीवा है, कॉर्ड है, ए बी जो है वह कॉर्ड है। कॉर्ड का हिंदी होता है जीवा। सर्किल में कॉर्ड जानते हो ना, दो पॉइंट को मिला दो कॉर्ड बनेगा, वह 20 सेंटीमीटर का दिया है। तो इसको मिलाओ सेंटर से, यह लाइन और यह लाइन मिलाओगे तो ये भी रेडियस है बच्चों, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ओ ए और ओ बी रेडियस है, और रेडियस जो होता है क्या होता है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। तो सब 20-20 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो ओ ए बी कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल, सब साइड बराबर हो गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल का हिंदी होता है बाबू समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बन गया। तो यह जरूर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहां जो थीटा है यह वह जरूर से जरूर 60 डिग्री होगा। कैसे जान गया 60 डिग्री, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी कोण 60 डिग्री होता है। इसको रेडियन में बदलोगे तो पाई बटा 3 रेडियन आएगा। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 3 से भागा दोगे तब ना 60 मिलेगा, तो पाई बटा 3 रेडियन। इस चाप का लंबाई एल है वाला एल निकालना है, तो फिगर देखो, यह एल हो गया, आर हो गया, थीटा बराबर आ गया पाई बाई 3। तो चूंकि थीटा बराबर क्या होता है एल बाई आर, थीटा की जगह क्या लिख दें पाई बाई 3 एल, आर की जगह क्या है दिया 20, एल बराबर आ गया 20 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर। सोचो कितना नॉर्मल सा सवाल था, पढ़ के अगर बनाओगे, डायमीटर दिया था, व्यास दिया था, रेडियस निकाल लिए, रेडियस पता है, कॉर्ड दिया था 20, सब 20 ही दिया है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 होगा तो पाई बाई 3 एंगल हो जाएगा। पाई बाई 3 से हम लोग एल बाई आर करके एल हम लोग यहां से आसानी से बच्चों निकाल लिए। तो नॉर्मल सा सवाल है, इसको भी बच्चों तुम लोग बना सकते हो। वीडियो जो रोक कर इसको बाबू नोट कर लोगे, ध्यान से चीजों को समझोगे, जरूर सीख जाओगे। केवल अपने आप को मदद करते रहना है तुम लोग को, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि दो सर्किल है, दो सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल में एल आर्क लेंथ लिए ठीक, और दूसरा सर्किल में भी एल आर्क लेंथ लिए, मतलब चाप का लंबाई जो एल लेना है ना, वो दोनों में बराबर बराबर लिए, एल एल लिए।
इसमें रेडियस आर वन दिया था, इसमें रेडियस आर टू दिया था, रेडियस अलग अलग दिया था। पहला वाला सर्किल में 60 डिग्री का एंगल बना और दूसरा वाला 75 डिग्री का एंगल बना। तो बताना है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेडियस। रेडियस मतलब होता है वह त्रिज्या, माने आर वन बटा आर टू निकालना है, यही हम लोग को निकालना है। आर एन दोनों में एल है। देखो आर वन एंड आर टू क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्किल रेस्पेक्टिवली। पहला सर्किल और दूसरा सर्किल का रेडियस आर वन आर टू हम लोग ले लिए। अब यहां पे 60 डिग्री दिया है तो 180 डिग्री होता है बच्चों पाई रेडियन, समझना ध्यान से। तो x डिग्री, एक डिग्री बराबर होता है बच्चों पाई बटा में 180। तो 60 डिग्री बराबर होगा पाई बटा में 180 गुने 60, मतलब पाई बटा 3 रेडियन। और 75 डिग्री अगर निकालोगे तो पाई बटा में 180 गुने 75। काटोगे इसको, अगर काटोगे तो 15 से काटो, 15 पच्चीस 75, और 15 से काटोगे 12 बार में कटेगा, 5 पाई बटा 12 रेडियन। ठीक, अब देखो पहला सर्किल के लिए आ जाओ। पहला सर्किल, अरे कुछ किए नहीं बाबू, इसका थीटा डिग्री में दिया था ना, उसी को रेडियन में बदल लिए। क्यों बदल लिए, क्योंकि थीटा बराबर एल बाई आर फॉर्मूला लगाना है। लेकिन कब लगता है थीटा बराबर एल बाई आर, जब रेडियन में होता है तब। तो यहां लिख देंगे पाई बटा 3 और एल बटा में आर वन, इक्वेशन नंबर 1। फॉर सेकेंड सर्किल अगर आते हो तो थीटा बराबर होता है एल बटा में आर टू, एल सॉरी थीटा बराबर एल बाई आर, थीटा की जगह है 5 पाई बटा 12 एल बटा में आर टू। रेशियो निकालना है, मतलब बटा करना है। रेशियो मतलब हिंदी होता है अनुपात। हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर प्रयास करेंगे सब कुछ सीख जाएंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा हिंदी वाले के लिए एडजस्ट करेंगे। ध्यान दो बच्चों, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। डिवाइड करोगे तो 5 बाई 3 5 पाई बाई 12, यहाँ एल बटा आर वन, एल बटा में आर टू करोगे। यहाँ पे एल से एल कट गया, यहाँ पाई से पाई कट गया। ठीक है बच्चों, 3 से 12 कट गया, 4 बार में 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5 आर टू बटा में आर वन। इसको पलट दो तो आर वन बटा में आर टू बराबर आ जाएगा 5/4, मतलब रेडियस का रेशियो मेरा निकल गया बच्चों। ध्यान दो, तो रेडियस का रेशियो मेरा निकाल लिए हम लोग। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, एंगल दोनों बार दिया है, एल एल दोनों बार दे दिया है, तो आर वन आर टू के बीच में रिलेशन निकालना है। तो थीटा बराबर एल बाई आर हुई करता है, थीटा बराबर एल बाई आर हुई करता है, भागा दे दोगे, डिवाइड कर दोगे तो एल वन एल टू का रेशियो तुम्हें मिल जाएगा बच्चों। वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को बाबू बढ़िया से उतार लोगे, तो नोट करते जाओगे, फेयर बनाते जाओगे, धीरे धीरे एनसीईआरटी पूरा फेयर बन जाएगा, अदर बुक्स के भी फेयर बन जाएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। शुरू में देखो बाबू पढ़ाई नॉर्मल है, नॉर्मल पढ़ाई है, शुरू में ही टफ तो नहीं दे सकता है ना। बहुत सारे बच्चे, अरे कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, अरे मिलेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन है 7, कह रहा है पेंडुलम है, पेंडुलम मैंने लोलक, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक, इसका 75 सेंटीमीटर बच्चों लंबाई दिया है, ये घूम रहा है, इसे 10 सेंटीमीटर घूमा, तो ही थीटा बताना है। ठीक, एकदम साधारण सवाल है। तो थीटा बराबर देखो एल का काम कर रहा है, आर का काम कर रहा है, थीटा बताना है। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर, 10/75, 5 से काटो 2, 5 से काटो 15, थीटा बराबर आ गया 2/15 रेडियन। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लेना है तुम लोग को, अब कंप्लीट हो गया ये। इसमें कुछ ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के माध्यम में इतना ही लगभग लगभग सवाल पूछता है, और इसका आगे चैप्टर्स में से सवाल पूछे जाते हैं,
इसलिए नॉर्मल से चीजें हैं तो हम लोग ज्यादा हेडअप नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2, इसका भी थ्योरी कराया हुआ है, थ्योरी पहले से ही सब करा के रख रहे हैं कि तुम लोग बनाओ, आगे आगे बनाते भी रहो। कॉसेक्स बराबर -1/2 दिया है, एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स क्या है तीसरा क्वाड्रेंट में है, तो बाकी सब टैन साइन कॉस ये सब हम लोग को निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखोगे बच्चों, तुम्हें याद पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, यह फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, टेंथ क्लास में पढ़े हो। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू -1/2 का स्क्वायर कर दोगे, 1 लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स 1 -1/4। देखो -1/2 का स्क्वायर करोगे तो +1/4 आएगा, उसको उधर भेज दिए, इतना आ गया, माइनस करोगे तो 3/4 आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट जाएगा, तो साइन एक्स आएगा रूट ओवर 3/4। स्क्वायर कभी भी इधर से उधर जाता है तो यहां प्लस माइनस आगे से लगाना पड़ता है, तो वैल्यू आ गया +-√3/2। 3 का रूट निकला नहीं, अब 4 का रूट 2 निकल गया। सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स किस क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में है, थर्ड में होने के कारण हम लोग का साइन एक्स थर्ड में निगेटिव होता है। साइन एक्स थर्ड में कैसा होता है, निगेटिव। अब तुम्हें फिर से हम पीछे लेके चलते हैं, 4 क्वाड्रेंट होता है, पहला में सब प्लस, दूसरा में साइन कोसेक प्लस, तीसरा में टैन कॉट प्लस और चौथा में कोसेक प्लस, बताया हुआ था। तीसरा में टैन कॉट प्लस होता है, साइन माइनस होता है, इसलिए साइन एक्स जो होगा -3/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैल्यू आया, लेकिन चूंकि यह दिया हुआ है कि थर्ड में लेना है इसलिए -3/2 लेंगे। ठीक है बच्चों, अब मेरा टैन एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स -3/2 -1/2 क्या मिला हमें, √3। ठीक, बाकी 6, बाकी 3 जो होता है साइन कॉस और टेन अगर मालूम है तो बाकी 3 तो भाई पलट देते हैं। तो तुम लोग देखोगे कि आज का क्लास हम एनसीईआरटी बता रहे हैं, अभी तक के क्लास में तुम ध्यान दिए होगे, फॉर्मूला बताए, कंडीशन बताए, बहुत सारे चीजें बताते हुए एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा चैनल हो सकता है जो एनसीईआरटी इंक्लूडिंग चीजों को बताते चले, तो मुझे तो नहीं लगता है। तो यह चैनल तुम्हें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराते हुए आगे बढ़ रहा है और बहुत दूर रेंज तक ले जाएगा, इसलिए इसको पूरा देखो जरूर और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करो। आगे इस चैप्टर में भी बहुत सारे सवाल हैं और तुम लोग खुद से करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आते हैं, साइन 765° का वैल्यू हमें निकालना है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, ये साइन 765 डिग्री, देखो बच्चों, एक थीटा अगर एंगल होता है, एक थीटा एंगल होता है, एक चक्कर होता है 360, तो 360° प्लस थीटा भी वहीं पहुंच जाते हैं, और एक चक्कर और मारोगे तो 360 720 हो जाएगा, तो 720 प्लस थीटा भी हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो 765 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 720° + 45° कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो 2 × 360° + 45° हर 360 के बाद फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं, तो 2 × 360 के बाद फिर हम कहां पहुंच गए हैं, 45 पर, यानी साइन 45°। यह फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि साइन एन 360° + थीटा साइन ए थीटा फिर से वापस हो जाता है। ठीक, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में तुम देख रहे होगे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा क्लास जा रहा है अभी तक, जिसमें हम तुम लोग को सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को करा रहे हैं। इसके पहले जो 2 वीडियोज गए थे हम तुमको हथियार का तैयारी करा रहे थे, फॉर्मूला का तैयारी, तो तुम ड्यूटी रखो कि 3.1 3.2 तुम कंप्लीट करोगे, क्योंकि 3.3 चैप्टर मेन चैप्टर होता है इसमें एनसीईआरटी में,
और वही फॉर्मूला सब तुमको डिसाइड करवाएगा। तो उसको बनाने के लिए फिर से हमको फॉर्मूला का तैयारी करना होगा। जो बच्चा तुम्हारे जान पहचान में एयरफोर्स नेवी एनडीए का प्रिपरेशन करता होगा, या आजकल तो रेलवेज में, या बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, इस सब के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आजकल सब जगह पूछता है, तो वैसे स्टूडेंट तुम्हारे सीनियर लोग उनको भी बोलो कि ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करें, 20 क्लास को फॉलो करेंगे, कहीं दुनिया में ट्रिग्नोमेट्री छूटने वाला फिर नहीं होगा उनके लिए। ध्यान दोगे बच्चों अभी तक के क्लास को, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग चीजों को सीखे जरूर होगे, क्या क्या हम तुमको सिखा रहे हैं उसको सीखे जरूर होगे तुम। तो मान लो कि अगर कॉस यहां पे दिया है 6π + θ, तो फिर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम लिखते हैं तो 3 × 2π लिखते हैं, एक 2π मतलब 360 डिग्री, यानी तीन गोर चक्कर मार के फिर वही थीटा पे यह पहुंच गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी है, देखो मान लो दे दिया कॉस -1410 डिग्री, ठीक। तो यह माइनस, अब यहां पे ध्यान दोगे बाबू 360 का मल्टीपुल याद रखने में तुमको बेनिफिट रहता है, 1440 ध्यान से समझना। अगर कोई चीज है कॉस थीटा तो क्या उसको हम 360 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं? तो यस सर, 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब 360 एक चक्कर मार के फिर वहीं पहुंच गया। क्या इसी को हम 720 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं? तो यस सर, क्योंकि 720 360 का डबल हो गया। क्या इसी को हम 1080 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं? तो यस। क्या हम इसी को 1440 डिग्री अब प्लस थीटा लिख सकते हैं? तो यस। तो यानी कि कॉस थीटा है 1440 प्लस थीटा भी कर देंगे तो एक के बात आएगा, तो 1440 डिग्री प्लस थीटा, थीटा के जगह दिया क्या है तो माइनस दिया है, माइनस 1410 घटाओगे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, वैल्यू निकल गया। तो जो जिसके नजदीक है उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, समझ गया बच्चों। तो कोशिश करना है आज घर पर बैठकर एक्सरसाइज 3.1, 3.2 विथ एग्जाम्पल NCERT को सोल्व करना। बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं होगा अभी, जिनके पास बुक नहीं है अवेलेबल, जो सवाल हम बनाए हैं वही सीखेंगे, जो फॉर्मूला हम कराए हैं वही सीखेंगे, उतना से भी अभी काम चलेगा, जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है, बुक अवेलेबल ना हो जाए तब तक इसी से बाबू काम चलाओ, ठीक है बच्चों। तो क्लास को पूरा कंप्लीट करो, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।